संबोधन दे रहे हैं, आपको सीधे लाइव तस्वीर दिखाते हैं। ये मुकाम हासिल किया है, इसके लिए आप सभी मेरे नौजवान साथी, विशेषकर हमारी बेटियां बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपके परिवार को विशेष रूप से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित होने वाले रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर मिशन मोड में काम कर रही है। हम न सिर्फ रोजगार दे रहे हैं, बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी भी बनाए हुए हैं, जिससे न्यू तो रोजगार मेले का आयोजन, जिसमें अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। कोटा ग्रामीण की रामगंज मध्य इलाके में आज जलापूर्ति बाधित रहेगी। आपको बता दें कि पचपहर परियोजना पर पंप सेट की पावर सप्लाई में आए फॉल्ट के कारण पंप बंद हो गया है, जिसको दुरुस्त करने के लिए दुरुस्तीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। इस कारण जलापूर्ति ठप रहेगी। पंप रिपेयर होने पर ग्रामीण क्षेत्र सहित चेचट, मोड़क व खेराबाद में जलापूर्ति जो है सुचारू रूप से शुरू की जाएगी। अजमेर के कोटडा में युवक ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया है। मामले की जानकारी देते हुए हेड कांस्टेबल अशोक कुमार ने बताया कि प्रगति नगर इलाके में रहने वाले युवक की आत्महत्या की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची है। युवक के घर से किसी प्रकार का सुसाइड नोट अभी नहीं मिला है। युवक ने आत्महत्या क्यों की, इसको लेकर के अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रेडियो को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम है सुनील कुमार, पुत्र वीरेंद्र कुमार, उम्र 40 साल, प्रगति नगर कोटड़ा में सुसाइड करके मृत्यु कर ली। आदि तलब पर रात्रि डीओ जाकर मौके की कार्रवाई करके डेड बॉडी को जलन मोर्चने रुका दी। उसके बाद मंडियो द्वारा पंचायत में मूर्ति कर रहा हूं। तो श्री गंगानगर के बिरबल चौक पुरानी धान मंडी स्थित एक ऑयल मिल में बीती रात भीषण आग लग गई। रात लगभग 2 बजे ये आग लगी है और आपको बता दें कि सैकड़ों सरसों की जो बोरियां हैं वो जल करके राख हो गई हैं। तो वहीं स्थानीय चौकीदार के द्वारा अरोड़ वंश मंदिर के सामने स्थित ऑयल मिल में आग लगे होने की सूचना दमकल को दी गई, जिस पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगने की असली वजह क्या है वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है।